किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम मह दुग्धम गीतामृतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा दसवें अध्याय का एकादश श्लोक ग्यारहवां श्लोक तेषां एवान् ननुकं पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाश्यम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परं मम भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवजं विभुं आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षीर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवा न दानवः स्वयं एवात्मानमात्मानम् आत्मनः आत्मानम् वेत्थ्यत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याहयात्मविभूतयः
याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तर्हि तृप्तिरहि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्या है आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे नाथ, भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं, वो बेचारे अल्प मेधा हैं, अल्प बुद्धि हैं, जो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना छोटे छोटे सुखों के लिए करते हैं। लेकिन देवताओं का जजन जो करता है वो देवलोक में जाता है, उनको प्राप्त होता है। मेरा जो जजन करता है वो मेरे पास आता है। बुद्धिहीन लोग हैं, माम बुद्धया, जो लोग मेरे को ऐसा समझते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मैं अव्यक्त से आया हूँ, मतलब मैं निराकार से आया हूँ, व्यक्तिमापन्ना, अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूँ। व्यक्तम, व्यक्ति शब्द का अर्थ भी एक बड़ा सुंदर आ जाए, व्यक्ति, व्यक्त हुआ जो, भगवान ने बोला ना, अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना, व्यक्ति शब्द का अर्थ जो व्यक्त हुआ है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है प्रत्येक जीव का, व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, जो व्यक्त हुआ वो व्यक्ति, जो अव्यक्त है वो निराकार, अव्यक्ति होता ही नहीं ना, अव्यक्त। तो कहते हैं मैं परम भाव अजानंतो, मैं परम भाव हूँ, मुझे ये ना जान करके मैं अव्यय हूँ और अनुत्तमम हूँ, उत्तम 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 अनुत्तमम, जैसे किसी का मोल ना हो बेमोल कहा जाता है ना, अमूल्य, ऐसे। फिर उसके बाद में प्रभु
आप हो, ठीक है मान लिया हो, फिर आप प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे? तो कहते ना अहम प्रकाश सर्वस्य, सर्वत्र मैं प्रकाशित नहीं होता, योग माया समावृता, मैं अपनी माया के द्वारा अपने आप को आवृत करता हूँ। मूढ़ो अयम नाभावी नाभी जान आती, मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाते। मैंने अपने आप को जो आवृत किया हुआ है, मूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाते। क्यों? वो महामाया में खेल रहे हैं, उनको बाहर ही दिखता, उल्टा ही दिखता है। मैं जो भी क्रिया करता हूँ उनको उल्टी दिखती है। क्यों? वो उल्टे ही पैदा हुए। बोलो वृंदावन, ठाकुर जी सीधे आए हैं, वो उल्टे आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो जो पैर पहले लेके आता है वो सीधा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भगवान कहते हैं वेदाहम समितितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं वर्तमान में भूत में सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जानता मुझे कौन है, मुझे कौन प्राप्त करता है, यहाँ भगवान अपने आप ही बोल रहे हैं। येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद मोह विनुर्मुक्ता ते द्वंद दो मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी। ये कंडीशन है, ऐसे ही नहीं प्राप्त होंगे। अब एक गवर्नमेंट ने एक जॉब निकाली, उसके लिए उन्होंने एक क्वालिफिकेशन डाल दी कि भी इतना पढ़ा होना चाहिए, तो क्या गलत किया? वो चाहिए उतना पढ़ा हुआ, क्वालिटी उतनी चाहिए तभी वहां पे उस योग्य होगा। ठीक इसी प्रकार से इस माया के प्रपंच में पड़े हुए हम लोग जीव, हम अगर बद्ध अवस्था में, ऐसी अवस्था में जहाँ पे हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाए हैं और माया से मुक्त नहीं हो पाए हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तो हम उसका उल्टा ही अर्थ निकालेंगे और अपने आप को सिद्ध साबित करने में लग जाएंगे। जैसे नित्यानंद वो कैलाशा वाला, पता है ना, अपना ही उसने देश बना लिया, अपनी करेंसी बना ली, अपना ही उसने एम्बेसडर बना करके यूएन में भेज दिया। यूनाइटेड नेशन में इस बार जो सभा हुई थी उसमें उसका अपनी करेंसी, अपने बंदे, अपने लोग, अपना सब कुछ बना, इतना सा आइलैंड खरीद लिया, नया देश बना दिया, उसका नाम रखा कैलाशा और नित्यानंद। नाम गलत रखा उसने। तो कहने का अभिप्राय इस प्रकार से जो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है उसको अगर कोई दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवत अनुभूति को भी अपनी ही बुद्धि के अनुसार चला करके सत्यानाश कर बैठता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त हुई और उन लोगों ने खुद को ही भगवान बना लिया। कुछ तो अंदर हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं। खैर जो भी हो, मुख्य बात भगवान कहते हैं साधि भूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च वै ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं ये युक्त चित्त वाले पुरुष,
मुझे जानते हैं तथा मुझे प्राप्त होते हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, अधिभूत का मतलब यहाँ क्या, आदि अधिभूत का मतलब यहाँ क्या होगा? अधिदैव का मतलब क्या होगा? अधियज्ञ का अर्थ क्या होगा? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, वो वाला तो नहीं? वह बोलो, ये भगवान को जो ऐसा जानता है, भगवान को जो जानता है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, जो ऐसा जानता है किनको? भगवान को। इसका मतलब है अधिभूत, मतलब अधि मतलब दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अधिक, अधिक से अधि शब्द का प्रयोग होता है, और एक होता है अधीन, अधि से अधीन और अधिक, दो शब्दों का अर्थ इसमें आता है। तो अधि को अगर अधिक ले तो जहां से निकला है ये पंचमहाभूत तत्व इत्यादि, वो अधि उस नायक से, जैसे अधिनायक शब्द होता है, नायकों का नायक अधिनायक, ऐसे अधिभूत मतलब समस्त भूत प्राणियों का जो मूल कारण है वो है अधि, महातत्व नहीं, उससे भी ऊपर, इसलिए अधि शब्द प्रयोग किया है, प्रधान के भी ऊपर, इसीलिए बोला है अधि। अधि शब्द का अर्थ अधिक होता है, अधिक या अधीन, जिसके अधीन है सारे भूत, जिसके अधीन है सारे दैव, जिसके अधीन है सारे यज्ञ, अर्थात जो भी मैं यज्ञ कर रहा हूं वो उन्हीं के अधीन है, अधियज्ञ, अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है उसका आत्मस्वरूप, जो आत्मा जो कारण है, चाहे वो भूत का कारण है, चाहे वो देव का कारण है, चाहे वो यज्ञ का कारण है, जो भी कारण स्वरूप है वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही तो कारण है, क्रिया शरीर और मन बुद्धि अहंकार से होती है, लेकिन कारण, कारण कौन है? आत्मा। कहते वो आत्मा का भी आत्मा अर्थात अधि यज्ञ मुझे जब समझता है, तब वो व्यक्ति जो भी करता है मुझ में अर्पण होता है। क्या हुआ? कई जगह उसकी सही चलती है, समझ लगे, उसमें तुम्हारी नहीं चलती, इसलिए उसको मत देखो। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब यहाँ पे अधियज्ञ, अधिभूत इत्यादि के शब्द जो कि हमने अभी चर्चा की, उसका भगवान से उसने पूछ लिया कि आपने बोला कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, प्रभु ये है क्या, कौन है? अर्जुन ने पूछा अधियज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयो असिनिया नियतात्म भी। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भूत भूत भावोद्भवत करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है। देखो आध्यात्मिकता जो मैं कितने साल पहले 2002 में या 1 में जो ये अध्यात्म है ना, आध्यात्मिक ताप का अर्थ जो पढ़ा था, आध्यात्मिक ताप का अर्थ प्रकाशित हुआ था कथा में, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वाह क्या अद्भुत, मैंने उस वक्त उस कथा में बोला, अगर रिकॉर्डिंग होगी, मैंने कहा ये अभी अभी इसी समय भगवान की कृपा से आ रहा है, जो मैंने आज तक ना सुना ना पढ़ा ना ऐसी व्याख्या हुई, और आज वो सामने भी आ गया। क्या कहते हैं,
भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, दूसरी गीता का अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा को क्या कहा जाता है? अध्यात्म। क्या कहा जाता है? तथा भूतों के भाव को उत्पन्न कराने वाला जो त्याग है वे कर्म नाम से जाना गया है। मर्मा अनुवाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं भगवान ने कहा अक्षर अर्थात नित्य विनाश रहित एवं बदलाव रहित तत्व ही परम ब्रह्म है। परब्रह्म शब्द से केवल नित्य विशेषता युक्त मुझे ही समझना चाहिए। स्वरूप शून्य ज्ञान मार्गीय ब्रह्म या योग मार्गीय परमात्मा को नहीं। यहाँ जड़ पदार्थ से सब प्रकार के संबंधों से रहित शुद्ध जीव को ही अध्यात्म कहा गया है। आध्यात्मिक ताप मतलब वो जो शुद्ध स्वरूप का जो बिछोह हुआ, जो शुद्ध भाव का बिछोह हुआ और आकर के जीव पड़ गया यहाँ पे संसार में। अच्छा शब्द है। कर्म के आधार पर ही भूतों द्वारा जीव का स्थूल देह निर्माण आदि देह निर्माण रूपी संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए कर्म को भूतों का उद्भव करने वाला विसर्ग जानो। अच्छा, कर्म विसर्ग है। भगवान ने अक्षरम परम ब्रह्म, मैं अक्षर और परब्रह्म हूँ, स्वभाव से ही और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। इसका मायावादियों ने क्या अर्थ किया है? भूत भावोद्भूत करो विसर्ग कर्म संहिता। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत निकाल के दो। परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव परा प्रकृति, जीव को अध्यात्म कहते कहते परम अक्षर जो ब्रह्म है उसका एक स्वभाव है। क्या है स्वभाव? मतलब उनकी प्रकृति, उनकी शक्ति। और वो शक्ति क्या है? उसका नाम है अध्यात्म उच्यते। नहीं आया समझ? परम ब्रह्म जो अक्षर जो भगवान है वो क्या है? परब्रह्म है। परम अक्षर स्वरूप ब्रह्म है और परा प्रकृति स्वभाव का अर्थ है प्रकृति। स्वभाव का अर्थ क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना, जलना, जलाना। ये स्वभाव ही प्रकृति कहलाता है और स्वभाव ही शक्ति कहलाता है। तो परा प्रकृति, भगवान की जो परा प्रकृति है वो क्या है? भगवान का स्वभाव है। पर ब्रह्म का क्या है? उस स्वभाव से उत्पन्न जो है उसको कहते हैं अध्यात्मम अर्थात जीव। भगवान का स्वभाव ही जीव है। परा प्रकृति से उत्पन्न है ना प्रभु?
परा प्रकृति ना, इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो जयदम। भगवान ने पहले बोल के आए इस श्लोक को, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्वभाव अर्थात परा प्रकृति, उस परा प्रकृति को कहते हैं जीव। और अध्यात्मम, जीव को अध्यात्मा अध्यात्म भी कहते हैं। आगे कहते हैं भूत भावो भव करह, प्राणियों को सत्ता प्रकट कराने वाला, करने वाला, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला विसर्ग त्याग कर्म कहा जाता है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अक्षर ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव वेद प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, वेद को भी प्रणव कहा है, ब्रह्म कहा है, प्रणव को भी ब्रह्म कहा है, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा है कहीं कहीं पर, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से ये शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। फिर कहते स्वभावो अध्यात्मोच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वे मार्ग को अध्यात्म कहते हैं। इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। आत्मा के बारे में जो जानना है, जो जानकारी है, उसको भी अध्यात्म कहते हैं। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द का आत्मा, अध्यात्म शब्द का आत्मा अर्थात जीव होनेपन का स्वरूप वाचक है। कहते वैसे तो अध्यात्म शब्द जो है वो आत्मिक विद्या, आध्यात्मिक चिंतन के विषय में लिया जाता है, परंतु स्वभाव के साथ इसको बोला गया तो इसका अर्थ होगा जीव। आगे कहते हैं भूत भवोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनेपन होनापन वो हैं। भाव का अर्थ, भाव का अर्थ उनकी सत्ता, वो हैं। उस होनेपन को जो प्रकट करने के लिए विसर्ग अर्थात त्याग है उसे कर्म कहते हैं। जितने भी भूत हैं उनका भूत भावोत्कर अर्थात मैं हूं, इस प्रकार का मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये रूप मेरा, वो रूप मेरा, इस प्रकार के जो भाव हैं उनका त्याग करने को कर्म कहते हैं। भूत भावोद भव करो, भूत भाव, भूत का भाव, मैं ये प्राणी वो प्राणी ऐसा वैसा, ये जो भाव है इसको जो विसर्ग, इसको जो त्याग करे उसी को कहते हैं कर्म संहिता, अर्थात वास्तविकता में वह कर्म को जानने वाला है, वही कर्म करने वाला है, वही कर्म कहा जाता है। पहले मैं तो इसको सही ढंग से देख लूं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था माने जाते। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहु रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा, एक तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। अच्छा,
भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुसु तपस्ता रहती है, महासर्ग आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में कहा गया, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। महद ब्रह्म उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति के गर्भ में, प्रकृति में गर्भ स्थापन है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और जीव भगवान का अंश है। मविवंश जीव लोके जीव भूत सनातना। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। यहां पर एक बात, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान कहते हैं कि जो अक्षर परम ब्रह्म है उसका एक स्वभाव है, वो स्वभाव क्या है, प्रकृति है। वो प्रकृति, अब मैं सरल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से एक एक शब्द को समझो। अक्षर परब्रह्म जो है उसका एक स्वभाव है, स्वभाव मतलब उसका एक प्रकृति है, वह प्रकृति जीव है। परंतु अध्यात्म उसका नाम है, अध्यात्म शक्ति, आत्मिक शक्ति उच्चते कहा जाता है। परंतु उनमें उन भूत भाव भवत करा, अर्थात उनमें वो प्राणी हैं, इस भाव का जो भाव को पैदा कर दे, जहां वो कर्म करवाए कि वो ऐसे भूत हैं, ऐसे प्राणी हैं, वो विसर्ग कहलाता है। अब मैं बता रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए महाप्रलय हो रखी है इस वक्त, क्या है, मान लो महाप्रलय, कोई भी जीव अपने रूप में नहीं है उस वक्त, कौन है, अक्षरम परम ब्रह्म उस वक्त कौन है, लेकिन उसका स्वभाव अर्थात उसकी शक्ति भी है, पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब जहां से समस्त आत्माएं प्रकट होती है, वो पराशक्ति जो है उसका नाम है अध्यात्म जीव, ठीक है, हो गया। अब उनका रूप तो है नहीं, साथ साथ सिर हिलाओ, मेरे को डाल टाइम नहीं लगाओ, हाँ, रूप तो है नहीं, महाप्रलय है, प्रकृति अपनी परा प्रकृति है, शक्ति है, और जो उसके बीच में जो कुछ महत ज्योनि में आया है अर्थात ब्रह्म में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो बिना क्रिया के, बिना कर्म के, बिना शरीर के है। तो उनमें, उन भूतों में भाव का उद्भव कराने वाले अर्थात विसर्ग कर्म करवाने वाले वो कौन है, वो कर्म संहित है अर्थात वही परमात्मा है। जो जो जिस 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 संस्कार से आए हुए जीव उस ब्रह्म शक्ति में विलीन हो गए, कब, प्रलय के समय, बिना किसी शरीर के, उनके उस भाव को जागृत करा के उस रूप में जो कि उनके कर्म योनि के अनुसार मिलना है, उसमें जो जोड़ दे, यह है कर्म संहिता, जो उनका संग करवा देता है। समझ आई क्या, मैं 50 बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, 4 बार सुन करके उसके बाद पूछ लेना, महाराज जी समझ नहीं आया। तो इसलिए यहां कहा कि विसर्ग कर्म संगीता, उनके कर्मों के फल के अनुसार उनको विसर्ग कराते हुए अर्थात उनके साथ में मिलन कराते हुए, जहां उनके द्वारा क्रिया करवाते हुए, जो प्राणियों में उनके भाव को उद्भव करा दे, वो है परम ब्रह्म अक्षर। किन किन प्राणियों का, अध्यात्म उच्चते, जो अध्यात्म शब्द के नाम से जाने जाते हैं, उन प्राणियों को उनके कर्मानुसार, उनके भावों के अनुसार, उनको जीवन, उनके
अलग अलग रूपों को मिलवा दे, उसको कहते हैं परब्रह्म। समझ आ गई बात? यज्ञ यहां कहाँ आया? वो अगले वाले में आएगा। समय हो गया है। यहां पे परिशिष्ट का भाव देते हैं। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृतिम विद्धि मे पराम, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव करो एक ही बात है। यह पराप्रकृति, पराप्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है कि महाविवंश जीवलोक के जीवभूत सनातन। स्वभाव अध्यात्म उच्चते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था में, 84 लाख योनियों में, सर्ग तथा प्रलय में, महासर्ग तथा महाप्रलय में, सर्ग अर्थात प्रलय में, महासर्ग अर्थात महाप्रलय में जीव का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सता, कभी भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती। चाहे प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, सर्ग का मतलब प्रलय, महासर्ग का मतलब महाप्रलय, और विसर्ग का मतलब प्रकट होना। ठीक है, देखो ये शब्दों को सुनने से समझ आता है। बहुत अच्छा स्वामी जी ने, स्वामी राम सुखदास जी ने यहाँ पे व्याख्या की है, धन्यवाद। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण की तत्व स्थिर अचल है और उस अस्थिरता का, उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। वाह क्या अद्भुत है, नए शब्दों में इसका अर्थ है। कहते हैं जो सृष्टि रचना रूपी कर्म है उसको त्याग शब्द कहा गया। रचना को त्याग कैसे कह सकते हैं? कोई क्रिया को आप त्याग कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वास्तविकता में जो स्थिरता है आत्मा की, जो स्थिरता है परमात्मा की, उस परमात्मा की स्थिरता का त्याग कर्म बना। गोपाल जी समझे? मतलब कर्म करने लगा तो स्थिर था, अस्थिरता, उस स्थिरता का त्याग करना ही कर्म है। अद्भुत बात है, समझ आया? कर्म बाद में आया ना, पहले त्याग किया, पहले अपनी स्थिरता का त्याग किया है। विमुक्ता शब्द तो बाद में आया, मतलब जो अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति के स्थिरता को त्याग करना ही प्रथम कर्म हो गया। स्थिरता का त्याग, आत्मा स्थिर वस्तु है, आत्मा शांत वस्तु है, आत्मा के अंदर कोई इच्छा आना अशांति आ गई, वो इच्छा आना ही कर्म बन गया। ये बात बड़ी सुंदर मेरे को लगी। विसर्ग कर्म संगीता, अर्थात विसर्ग किया, त्याग किया, इसलिए वो कर्म कहलाया। संगीता, कर्म संगीता ना, कर्म की संज्ञा मिली, त्याग को कर्म की संज्ञा मिली। किसके, किसने त्याग किया? ब्रह्म ने। क्या त्याग किया? अपनी स्थिरता का, अपने अद्वैता का। उसका जैसे ही त्याग किया क्या उन बन गया? कर्म। वो किसका कर्म बना? ब्रह्म का। अत्यंत अद्भुत, वाह। मतलब आंखें है ना, अंदर वाली आंखें जो है टक करके खोल के रख देते। भगवान की सृष्टि का, भगवान के, भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है। सबसे पहला कर्म उस पर ब्रह्म परमात्मा, जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सबसे पहला कर्म उसका यही था, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हूं। अरे काहे को एक के काहे के बन गए? कहते जिससे कर्मों की परंपरा चली,
इसी के कारण कर्मों की परंपरा चली। अतः कर्म के अंतर्गत तीन प्रकार के कर्म आते हैं। कर्म जो है तीन प्रकार के कले जाते हैं, सृष्टि की रचना, क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, क्रिया सांस ले जा रहे हैं इसका फलजनक नहीं है, इससे कोई मतलब इसका इस क्रिया का सांस लेने वाली प्रक्रिया का इसका कोई पाप या पुण्य नहीं गिना जाता, इसका कोई फल नहीं। और पाप पुण्य जनक जो कर्म है, पाप और पुण्य रूपी जिनसे फल पैदा हो, वो ये तीन प्रकार के, एक तो है सृष्टि की रचना, दूसरा कर्म चल रहा है कोई भी उसका पाप पुण्य का नहीं, तीसरा है पाप पुण्य इत्यादि कर्म। इधर सृष्टि की रचना को क्या अर्थ दिया जाएगा? बच्चे पैदा करना, सृष्टि आगे बढ़ाना। जैसे सृष्टि कर्म दक्ष प्रजापति ने किया, मनु शत्रुपा ने किया, वो सृष्टि कर्म कहलाता है। या परमात्मा की सृष्टि की रचना, पहले परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, कैसे की, एक इच्छण मात्र किया, अंदर हलचल मच गई, ब्रह्मा जी पैदा हो गए ट्र करके, तो ऐसे जो ब्रह्म है, जो आत्मा है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसने भी तो कर्म किया। हाँ, वही वो पहला उसने किया, बाद में सबने कर दिया, ऐसे ही हुआ। वो क्रियाहीन तो है नहीं, वो परमेश्वर भगवान की सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म है। आप ध्यान दीजिए, भगवान के द्वारा जो सृष्टि रचना की गई है वो वास्तविकता में अकर्म है, वो कर्म नहीं है। भगवान ने कहा भी है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, मैं कर्ता होने पर भी मेरे को तुम विद्य विशेष रूप से जानना, मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कर्ता होने पर भी मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि मेरी शक्ति के द्वारा क्रिया हो रही है, इस दृष्टि से मैं उस शक्ति का मालिक हूं, इसलिए इनडायरेक्ट वे में मेरा नाम लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, करता होते हुए मैं कर नहीं रहा हूं। समझ लगी? ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, भाई मेरा हाथ चल पड़ा, मेरी जवान फिसल गई, मैं थोड़ी ना फिसला हूं, मैं तो वैसे का वैसा हूं जैसे है ना। माफ की गल नहीं है, बात है समझने वाली। वांछा कल्पद्रव्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरिहर नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ओय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता।